शामिल करके हैदराबाद से, जहां पर इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक सिकंदर लाशारी सदर इंटरोगेटिव ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंध कहते हैं कि मैं अपने इदारी असूल ओल की पायदारी और इसकी जिम्मेदारी निभाने का कायल हूं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मैं बतौर सिकंदर लाशारी सदर इंटरोगेटिव ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंध के इदारी का भरम रखने के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। बताया कि एक नजमा नामी औरत एक लालची और बदकार है, नर्स होती है और जो कवारी लड़कियों के बच्चे गिराना, गरीबों और बेसहारों के बच्चे लेकर अमीर लोगों को फरोख्त करना और इसको ब्लैकमेल करना इसका मामूल बन चुका है। उनका मजीद कहना था कि सफीना सफदर, आयशा अंसारी, मुकद्दस फरीदा खान और ये सारी औरतें बद किरदार और गंदा काम करने की मांग है, क्योंकि ये एक क्राइम है और आर्टिकल A19 की खिलाफ वर्जी है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने मीडिया को बताया कि ये सारी औरतें रुखसाना कायमखानी जो PGI की मरकजी सीनियर अहदेदार कहलाती है इसकी टीम है और इसके हुक्म के तहत और इसकी मदद से ही ये गंदे काम सर अंजाम दिए जाते हैं। उनका मजीद कहना था कि मुकद्दस नामी औरत नजमा को 80,000 में अपनी बच्ची जो 10 दिन की थी फरोख्त किया और नजमा के कहने से मकी शाह तहानी में जाकर अपने बच्चे गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई।